हेलो बच्चा पार्टी, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आप उन क्वेश्चंस को कीजिए। और ग्रुप का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और लगातार हम उन्हीं क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते रहेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उनका शूट जो है वो हो चुका है, लेकिन थोड़ा एडिटिंग में उनमें टाइम लग रहा है। और वो वीडियोस जो है वो प्रोजेक्टर बेस्ड बनानी पड़ती हैं, क्योंकि उनमें बहुत कुछ लिखा होता है, तो उन कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा बेटर है अगर हम लिखने बैठेंगे या फिर उन्हें बोर्ड पे कराने बैठूंगा तो वो बहुत टाइम ले जाएंगी। तो इसलिए उनके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे खुद कराने हैं, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने के लिए मैं जो है रेगुलरली आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 11 का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आया है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दिया, मैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं 10 क्वेश्चन पेपर, तो 10 के 10 क्वेश्चन पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट हमें दिखेगा तो लगातार मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को समझाता रहूंगा। तो सबसे पहले ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी 30 डिग्री एंड एंगल ए इज 105 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 टाइम्स द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने 11 चैप्टर में करना है, 11 चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप कोई ट्राइंगल बनाते हैं, उस ट्राइंगल का आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, तो क्या आप उसका तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने साइड क्या दी हुई है, बीसी। अब बीसी बेस जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए अगर मेरे पास दोनों बेस एंगल हो तो मैं आराम से उस ट्राइंगल को बना सकता हूं, लेकिन यहां तो मुझे तीसरा एंगल दिया ही नहीं हुआ, तो तीसरा एंगल मैं यहां से निकालूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पर। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल ए इज 105, एंगल बी इज 30 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब जब मुझे तीनों एंगल मिल गए हैं तो उसके बाद मैं ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं इसको मिटाकर दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूं किसके स्टेप क्या क्या यूज किए गए हैं। बहुत कुछ शॉर्ट में समझाना पड़ेगा, क्योंकि लंबी वीडियो, लेंथी वीडियो में बहुत कुछ दिक्कत आ जाती है। तो एंगल मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बी और सी, BC 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल स्टेप है। या तो आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाने के बाद साइड्स का रेशियो निकालना है, रेशियो या तो 3/4 होगा या फिर 4/3 होगा, ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B मुझे गिवन था, कितना था बेटा आप लोगों का, 30 डिग्री, तो ये मैंने मान लिया एंगल बी 30 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल सी कितना बनाया मैंने निकाला, जो 45 डिग्री, तो एंगल सी पर भी मैं 45 डिग्री एंगल की लाइन बना दूंगा, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा, जो कि कितना है, 105 डिग्री, अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वो लाइन ही ऐसी जगह जाके कट करेगी। उसके बाद का काम क्या है, ये तो मेरा ट्राइंगल बन गया, पहली लाइन तो कंप्लीट, ये वाली लाइन तो कंप्लीट। अब उसके बाद कहा उसने कि एक और ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड जो है इस गिवन ट्राइंगल के 3/4 है। ध्यान रखना, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, और अगर ये उल्टा होता, 4/3 होता, तो आपका ट्रायंगल जो था वो बाहर बनता, जिसमें कि आपको दोनों साइड को, इस वाली साइड को भी और इस वाली साइड को भी थोड़ा आपको आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें तो नीचे बढ़ा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक्यूट एंगल बनाते हैं हमारे मेन पॉइंट से नीचे की तरफ, मैंने बनाया एक्यूट एंगल, उसके बाद आपको कट कितने लगाने हैं, तो वो डिसाइड होता है कि जो बड़ा है उतने कट लगाइए। तो बड़ा क्या है बेटा, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये मैंने 4 कट लगाए। अब सी पॉइंट को किससे मिलाना है, सी पॉइंट को मिलाना होता है हमें डिनोमिनेटर से, सी पॉइंट को किससे मिलाना होता है, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर से मिलाने की अगर बात आती है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 4 है। अगर डिनोमिनेटर 3 होता तो मैं 3 से मिलाता, और 4 है तो 4 से मिलाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा स्केल का यूज करूंगा और 4 से मिला दूंगा। 4 से मिलाने के बाद अब मैं क्या करूं जी, अब इसमें सीधा सिंपल तरीका ये है कि जो एंगल आपका 4 पे बना हुआ है, तो क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे, कट लगाएंगे, वही सेम कट सी 3 पर रखकर उस पर भी कट लगा देंगे। अब उसके बाद चेक करो कि ये कितना है, जितना इसका गैप है उतना ही गैप इसका कर देंगे, और इस लाइन को क्या कर देंगे,
पैरेलल लेके चले जाएंगे। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत भी होती है, मान लीजिए गलत बन जाता है, तो ये लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए। टीचर वहां कंपास डी लेके नहीं बैठा होता है, वो कुछ नहीं रखता, बस वो क्या देखता है, क्या ये लाइन पैरेलल दिख रही है। अगर ये लाइन पैरेलल दिख रही है तो वो आपके क्वेश्चन को ठीक करेगा ही करेगा। तो मैंने जैसे यहां पर ये कट किया, सेम ये 45 डिग्री का जो एंगल यहां निकला था, वही सेम एंगल जैसे यहां किया वैसे ही यहां पर कट लगा के इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये एंगल भी इसका क्या लाइन क्या है इसके पैरेलल हो जाएगी। वही कट यहां पर, वही कट यहां पर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी डैश और ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए डैश। तो आपको मिल जाएगा ट्राइंगल बी सी डैश ए डैश इज 3/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी का 3/4 हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप देखिए, अगर आप क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं नहीं लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं डायग्राम नहीं बनाते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखें और डायग्राम जो कंस्ट्रक्ट आपने किया है वो भी आप शो करें, दोनों चीजें ही करनी बहुत जरूरी है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप लिखने के लिए बेटा मैं आपको बताऊं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखो। कैसे लिखोगे, आपके दिमाग में जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया वैसे वैसे लिखो। अंग्रेजी मेरी भी कमजोर है लेकिन फिर भी इतना तो मैथ में चल जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, लाइन ड्रॉ करी थी, जिसको लाइन को नाम क्या दिया था मैंने बीसी, और जिसकी लेंथ कितनी थी 6.5, यही किया था सबसे पहले। उसके बाद मैंने एंगल ड्रॉ किए थे, एंगल बी और एंगल सी ड्रॉ किए थे। उसके बाद मैंने एंगल बी के नीचे पॉइंट बी ड्रॉ एक्यूट एंगल कट इंटू फोर पार्ट्स में कट किया। उसके बाद अगर मैं फोर्थ स्टेप देखूं तो मैंने क्या किया था, फोर्थ पॉइंट को सी से मीट किया था, जॉइन फोर्थ पॉइंट विद सी, सी डैश नहीं सी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहूं तो मैंने सेम एंगल ड्रॉ सिमिलर एंगल एट पॉइंट थ्री, ये बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, थ्री पॉइंट के एंगल को आगे की तरफ पॉइंट करेंगे, विच जॉइन या विच कट लाइन बी सी एट सी डैश, वो बी सी को कहां पर डैश कट करेगा सी डैश पर। अब उसके बाद सिक्स पॉइंट वही ड्रॉ सिमिलर एंगल एट पॉइंट सी डैश टू सी, जो सी पर है वही सी डैश पर भी आपको एंगल बनाना है, एंड देन जॉइन कंस्ट्रक्ट लाइन सी डैश टू लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी की तरफ जाएंगे और वो कहां कट करेगा, कट एट पॉइंट ए डैश। अब बन गया आप लोगों का, देखिए इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टेप जरूर लिखें। अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं लिखेंगे तो आप लोगों के सॉल्यूशन के जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से करना है। ऐसे ही अगर आपके सामने और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें लगातार कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सारे के सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सभी चैप्टर्स के, मैं तीन चैप्टर के करा चुका हूं, 13th के, 14th के और 15th के, तो अब मैं जो पीछे के बचे हुए सारे के सारे चैप्टर हैं उन सभी के मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट की जो वीडियोज हैं, सारे चैप्टर्स के मेन कॉन्सेप्ट की जो वीडियोज हैं उनको आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पहले हम 4 मार्क्स के करेंगे, फिर हम 3 मार्क्स के करेंगे, और वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ आप लोगों के लिए। उसके बाद आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन से ही, क्योंकि और में क्वेश्चन आते हैं तो मैं सभी और के क्वेश्चंस को आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। मैं सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि आप एक सर्कल बनाइए। तो मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका सबसे इजी पैटर्न क्या है, देखिए आप लोगों को पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में कितने डिग्री पर कनेक्ट होती हैं, 90 डिग्री पर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इस रेडियस पे ना एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाया वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता, अगर मैं इसे बेस मान लूंगा तो बेस मानने के बाद यहां पर इस तरीके से 60 120 और दोनों का कट लगाएंगे तो 90। ये लाइन आगे की तरफ गई, गई ये लाइन आगे की तरफ। अब इसको करने के बाद जब एंगल मैंने 90 डिग्री का बना दिया है तो मुझे पता है कि वो दोनों की दोनों टेंजेंट कितनी डिग्री पर कट कर रही हैं, 60 डिग्री पर। तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे तो नहीं पता भाई ये लेंथ कितनी रहने वाली है, मुझे तो नहीं पता, तो मैं यहां का कट कैसे निकाल सकता हूं, ये नामुमकिन है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इतना पता है कि अगर मैं इमेजिनेशन में लूं कि एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी मुझे दो साइड, एक एंगल पता है ये 90 डिग्री का, अगला जो एंगल होगा वो भी कितने का होगा 90 डिग्री का, और ये 60 गिवन है मुझे, तो ये एंगल तो निकाल सकता हूं ना भैया, मैं निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का, क्योंकि ये 60 है तो ये 120 का हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, जिसमें से एक 90, दूसरा 90, तीसरा 60, तो फिर एक बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। तो मैं ये 120 डिग्री का एंगल यहां पर बनाऊंगा, कैसे, वही सेम पैटर्न जैसे यहां पर 90 बनाया कंस्ट्रक्शन से, यहां पर डी बनाया, एक कट 60, दूसरा 120, और 120 को आगे की तरफ बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मुझे दूसरा पॉइंट जो था रेडियस का वो भी मिल गया। अब क्या करना है, सेम वही 90 डिग्री यहां है, वही 90 डिग्री यहां पर बनाइए, और यहां पर बनाने के बाद इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको आप पी मान लीजिए, जिसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा। बन गया आप लोगों का, इसी के कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको करने हैं। देखिए अंग्रेजी बहुत इजी है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो आपने बनाया है वही कंस्ट्रक्शन स्टेप यहां पर आप लिख देंगे। 6 से 7 कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सॉल्व करना। अगर आप एक बार एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे, एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चंस आपके लायक है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो आपको आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। देखिए एकदम नॉर्मल पेपर आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्जाम होगा, अगर एग्जाम हुए तो। अगर टफ एग्जाम नहीं होगा, सिंपल आएगा, तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी विद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप आसानी से आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को करें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, आप लोगों को आगे भी और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे इंपॉर्टेंट, और मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए रख दिए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होने वाला है उससे और भी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे कई बच्चों के फोन आए हैं कि सर एग्जाम तो कैंसिल होंगे। तो भैया जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने को कहा था, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, बहुत अच्छा लगा, कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए। मैंने एक पैटर्न रखा था, मैं आप लोगों से उस बारे में बात कर लेता हूं कि मैंने एक पैटर्न रखा था कि भाई हम जो है ना 100 रुपीज फीस रख देते हैं होल सिलेबस की, पूरा रिविजन कराने के लिए, और लाइव क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे पास करीबन 60 से 70 बच्चों के ऐसे मैसेज आए कि सर हम 100 रुपीज भी नहीं दे पाएंगे लेकिन हमें पढ़ना है, वो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं लाइव क्लास लेता हूं जूम ऐप वगैरह पे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, अब मैं उन्हें भी जोड़ लूं तो कुछ और बच्चे भी रह जाएंगे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बनाया है कि भाई जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा। अब मैं आप लोगों के लिए YouTube पर ही वीडियो बनाऊंगा। YouTube पर वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे दे सकते हैं वो हमें
फीस दे दें, जितना आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो आप कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। जो नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को पता है इस टाइम पर आप लोगों की हेल्प ही हमें सबसे ज्यादा काम करने वाली। इंस्टीट्यूट बंद है, किसी भी तरीके से आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते, कहीं ट्यूशन नहीं चला सकते, गवर्नमेंट अभी तक स्कूल और कॉलेजेस को खोलने के उसमें नहीं है, तो आप लोगों को ट्यूशन तो अवेलेबल हो नहीं रहे हैं। हम भी आप लोगों को ट्यूशन अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है या फिर आप लोग जितना हेल्प कर सकते हैं आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो सिंपली पढ़िए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये कर रहा हूं। तो मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूं जिसपे आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो आप अपनी इच्छा से करेंगे जितना आप चाहते हैं। तो मैं यही चाहता था, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आए, मुझे बहुत बहुत देर तक बच्चों से बात करी, 2-3 दिन से मैं बात कर रहा हूं लगातार, तो लाइव क्लास की बजाय मैं यूट्यूब पर अगर लाइव आ सका तो लाइव, अदरवाइज मैं वीडियोज बनाकर आपके कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो अच्छा लगता है, आप लोगों को अगर लगता है कि कंट्रीब्यूशन करना चाहिए तो आप कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा, और मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश मैं कर सकता हूं मैं करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।